और इन्होंने कहा कि मुझसे तकलीफ सही नहीं जा रही। ये एक बार मेरी बात हुई इनसे तो ये रो रहे थे ऊंचा ऊंचा कि मुझे बहुत तकलीफ है। पर जब इन्होंने ऑपरेट के लिए कहा कि मैंने ऑपरेट करवाना है, ऑपरेशन करवाना है इसका, तो मैंने मना कर दी। तो जब जे सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि जो पास्ट रेश है वो मेडिसिन से कुछ समय बाद अच्छा हो जाएगा, पर इनकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि आपकी जो टॉयलेट पार्ट की जगह है वो बहुत छोटी हो गई है, लैट्रिन वाली जगह छोटी है, जिसके कारण आपको फिर से ऑपरेट कराना होगा। जब इनको इस बात के बारे में बताया तो जी बहुत डर गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जे सिस्टर का नाम गुरमीत कौर है और जे मानबिन के वान गाँव के रहने वाले हैं। और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 20 साल हो गए थे इनको सूखी बवासीर की प्रॉब्लम थी, और जिसके इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खा रहे थे पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसके बावजूद जो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई, पहले सूखी बवासीर थी, फिर मोकों वाली बवासीर शुरू हो गई, और जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे थे जिसके कारण जो बहुत परेशान हो गए थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे जो सिस्टर 2 सालों के इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और इन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए इस विश्वास किया, तो परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको अच्छा कर दिया था। और फिर कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम वापस इनको फिर से शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। जो बता रहे कि इनको बैठने उठने में, काम करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जिसके कारण जी सिस्टर बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जैसे ही इस बार इनका वो विश्वास नहीं बढ़ रहा था और इनका मन था कि जो प्रेड कराना चाहते थे, और जैसे ही जे सिस्टर ने प्रभु के दास के साथ इन्होंने मीटिंग की और जब इन्होंने प्रभु के दास के साथ बात की कि हमें इस प्रॉब्लम के लिए अब हमने प्रेड कराना है, तो परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया कि परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से अच्छा करेंगे, आपको प्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। पर इनका वो विश्वास नहीं बना क्योंकि जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ज़्यादा दर्द थी, और जब बता रहे कि वो दर्द इनकी बर्दाश्त से बाहर थी। और जैसे इन्होंने ऑपरेट तो करवा लिया, और जब इन्होंने ऑपरेट करवाया तो उसके 10 दिन बाद इनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और फिर जब सिस्टर ने मीटिंग अटेंड की और जब बता रहे कि जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने इस हीलिंग को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनको कब्ज़ की प्रॉब्लम से भी फ्री किया। हमने पहले भी इनकी जो टेस्टामनी दी थी कि परमेश्वर ने इनको कब्ज़ की प्रॉब्लम से फ्री कर दिया था। और अभी इनके ऑपरेट को 2.5 महीने हो गए हैं, और जब जी अपना चेकअप कराने के लिए गए तो इनको अभी पास और रेशा आ रहा था, तो डॉक्टर इसकी मेडिसिन भी दे रहे थे और जो बता रहे कि उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे फिर से जो वापस चेकअप कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि जो रेशा है पास से है, इन्फेक्शन तो मेडिसिन से कुछ समय बाद अच्छी हो जाएगी, पर इनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि जो आपका टॉयलेट पार्ट, एक सेकंड, जो पस्ती शायद जब पहले भी हमने इनकी गवाही सुनी थी, डॉक्टर ने इनको माइक देना, उन्होंने कहा कितना समय, जब आपने प्रेड करवाया तो उन्होंने कहा कितना समय तक आएगी ये या मसीह की, जैसे आपने पहले भी रिसीव किया और वो डॉक्टर ने 1.5 महीना कहा था कि जब ब्रेट हुआ ये होना ही होना, पर वो कितने दिन में ठीक हो गया था? मीटिंग आप सुन रहे थे तो उसी दिन प्रभु ने अच्छा कर दिया। हाँ, नेक्स्ट बताओ अभी। तो जब जे सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि जो पास्ट रेश है वो मेडिसिन से कुछ समय बाद अच्छा हो जाएगा, पर इनकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि आपकी जो टॉयलेट पार्ट की जगह है वो बहुत छोटी हो गई है, लैट्रिन वाली जगह छोटी है, जिसके कारण आपको फिर से ऑपरेट कराना होगा। जब इनको इस बात के बारे में बताया तो जी बहुत डर गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और फिर से इन्होंने प्रभु के दास के साथ जब मीटिंग की तो प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, अब चिंता ना करो, परमेश्वर करेंगे। और जैसे इनको उत्साहित किया और जे फिर इनको विश्वास दिया गया और जे धन्यवाद में बने रहे, तो फिर से परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की
और जब इनके साथ फिर मीटिंग हुई तो इनको एक वचन दिया गया जो परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की थी, और इनको बताया गया कि आपको जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्यार है, आपने उसको परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। तो जब इनको जो वर्ड जो वचन दिया गया तो इन्होंने इस वचन को रिसीव किया, और फिर उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर, जो हमने पहले भी परमेश्वर के दास के साथ जब बात की थी प्रेड के बारे में तो उन्होंने हमें मना किया था, और फिर उन्होंने इसके बारे में अपने मन को फिराया, प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें माफ़ कर चुके हो, और ये जो वचन हमें परमेश्वर के दास के द्वारा आपने दिया इस वर्ग से, निश्चय परमेश्वर हमें इस वचन को पूरा कर चुके हैं। और जैसे ये जिस दिन से इन्होंने बताया कि इन्होंने मन बना लिया इस वचन को पूरा करने के लिए, और जब फिर से जो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि जो पहले हमने आपको कहा था कि ऑपरेट से ये प्रॉब्लम अच्छी होगी, पर आपको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं है, अब मेडिसिन से ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। और जिस सिस्टर ने बताया कि अभी इन्होंने इस वचन को पूरा कर दिया है, और इन्होंने जो वचन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनको दिया था, और अभी इन्होंने उस वचन को सोने की कोई चीज़ बनाई है जो इन्होंने परमेश्वर के आदर के लिए उस बेड को दे दिया है। तो जिस दिन से इन्होंने इस मन को बनाया था और अपने मन को फिराया, और परमेश्वर ने आज इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया, अभी इनकी वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, और मुझे बहुत खुश है कि परमेश्वर इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इसको वाही के लिए। और सुनो, कितनों को समझ आई है सुनो, मैं आपको अभी समझाता हूँ। आज से कुछ समय पहले, वैसे तो इन्हें जी बाबा सिर करो कितने सालों से था, इस साल से 20 साल से था ना, पर कुछ समय पहले इन्हें फिर वो जो 20 साल के सुखी बाबा सिर थी, बाद में मुक्कों वाली होगी, मुक्कों वाली। तो मैंने ये यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने विश्वास में इन्हें बढ़ाया कि नहीं परमेश्वर कुछ सब कुछ क्या किया, ये चंगे हो जाते थे फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती, फिर जो चंगे हो जाते फिर प्रॉब्लम, क्योंकि इनका विश्वास नहीं बन पा रहा था। जैसे बाइबल में लिखा है, बिना विश्वास से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। तो फिर अच्छे हो जाते थे फिर, पर एक समय इनकी प्रॉब्लम ये बहुत बढ़ गई। क्या बढ़ गई? और इन्होंने कहा कि मुझसे तकलीफ सही नहीं जा रही। ये एक बार मेरी बात हुई इनसे तो ये रो रहे थे ऊंचा ऊंचा कि मुझे बहुत तकलीफ है। पर जब इन्होंने ऑपरेट के लिए कहा कि मैंने ऑपरेशन करवाना है इसका, तो मैंने मना कर दिया। क्या कर दिया? मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप ऑपरेट ना कराओ, विश्वास रखो, कोई बात नहीं, तकलीफ है, परमेश्वर भी जानता है। बाइबल में लिखा है कि इब्रानियों 4:15 में कि हमारा ऐसा महाजाजक नहीं है जो हमारे दुखों में सहभागी ना हो। बोलो क्या है? पर जब कई बार तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर उस चीज के लिए विश्वास भी नहीं आता। फिर इन्होंने ऑपरेट करवा लिया, उसके कारण ऑपरेट तो हो गया, डॉक्टरों ने कहा ब्लीडिंग आएगी, फिर पस का बीच में ये सिस्टम पड़ गया, मतलब उस होने के बाद भी कुछ ना कुछ कई चीज़ों से ये परेशान था। फिर परमेश्वर ने वर्ड दिया, वो कहते 1.5 महीना आपको ब्लड आना ही आना है, पर परमेश्वर महान है, फिर भी उसने उस ब्लड को बहुत जल्दी 1 हफ्ते में उसको अच्छा कर दिया। फिर ये पस का रोग भी गया, पर अब प्रॉब्लम क्या आ गई, वो टॉयलेट पार्ट की जो जगह थी वो छोटी हो गई थी, मतलब समझ आ रही है? तो अब जो परमेश्वर ने इंसान के लिए जैसा जैसा भी उसको बनाया है, समझते ना, टॉयलेट पार्ट समझते हैं, जो हमारी लेटरिन वाली जगह होती है, जब छोटी होगी तो अब तकलीफ तो आएगी ना। बोलो क्या आएगी? तकलीफ तो आएगी, फिर उस चीज से जो परेशान हो गई। और जब मैंने फिर इन्होंने बात की तो ये तकलीफ में थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, विश्वास रखो, प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। पर कुछ दिनों के बाद मैं प्रार्थना कर रहा था और फिर परमेश्वर ने मेरे मन में लगाया, जब मुझे ये दोबारा मिले तो मैंने कहा जिस चीज से आप ज्यादा प्रेम करते हो वो खुदा को देनी है। जिस चीज से आप ज्यादा प्रेम करते हो ना, आप जिस चीज से,
वो आपने परमेश्वर को देनी है। कई बार औखा हो जाता है, हाँ कठिन लगता है, ये चीज मेरी बड़ी कीमती, मैं कैसे दूं। और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था कि ये गोल्ड से, सोने से बड़ा प्रेम करती है, और ये बात सच है। क्यों जी, अच्छा लगता है ना आपको सोना पाना पहनना रखना। बोलो क्या है, आपको अच्छा लगता है ना, क्यों है ना। देखो परमेश्वर, क्योंकि मैं प्रेयर करता हूं, जब मैं बैठता हूं परमेश्वर, मनुष्यों के मन को आप जानते हो, जो लोग तूने मुझे दिए हैं ये सब तेरे, ये तेरे पास आते हैं, मुझे इनकी छुटकारे के लिए आशीष के लिए वचन दे, मेरी यही प्रेयर होती है आप ही के लिए। बोलो क्या, आपके लिए, इस मंडली के लिए, इस देश के लिए, हाँ इस पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए, भाई यही प्रेयर होती है मेरी। और खुदा ने ये वर्ड दिया, मुझे वचन दिया कि आप जिस चीज से प्रेम करते हैं अब खुदा के लिए दो। सुनो, जिस दिन ही ये चीज इन्होंने, मैंने बोला, पहले तो थोड़ी सी सोच आई होगी, आ जाती है, पर जैसे इन्होंने फिर मन बनाया, उसी दिन खुदावंद ने अपनी सामर्थ को दिखाया कि जब ये दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा नहीं आप नहीं जरूरत, हाँ आप जरूरत नहीं है, थोड़ी मेडिसिन खा लो कोई बात नहीं, आप ऑपरेट की जरूरत नहीं। सुनो बीच में क्या हुआ, जिस रीति से हम सब कुछ इनकी गवाही दे रहे हैं, जैसे कुछ लोग अपनी गवाही में कुछ चीजों को छुपा लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ चीजों को वो छुपाएंगे, अरे ये तुम बहुत, जो भी ये गलत चीज है तो छुपाना नहीं, क्योंकि ये कुछ चीजों को लेकर ये छुपा रहे थे, है ना। नहीं ऐसे नहीं है कि इनका मन अच्छा नहीं है, मन तो बहुत अच्छा है, पर जो सच्चाई है सत्य है उसे तो पूरा बताना पड़ेगा। और मैंने जैसे इन्होंने अपनी टेस्टामनी को लिखाया, कुछ चीजें जैसे परमेश्वर ने काम किया ये वैसे पूरी तरह बोलते थे ठीक है ऐसे आप बता, पर मैंने कहा नहीं, उसी के कारण ये जो प्रॉब्लम थी कुछ रह गई, फिर जैसे ये सोच आ गई, वो प्रॉब्लम जो पूरी तरह, बोलो क्या थी, जिसे पूरी तरह खुदा ने हील किया, चंगा किया, इस सोच के कारण कि ये चीजें नहीं बतानी, कहीं ना कहीं उसके कारण फिर वो चीज रह गई। कल रात मेरी इनसे बात हुई और मैंने समझाया, अब कैसा लग रहा है। हाँ जी, मैं पापा जी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो देखो, परमेश्वर का वर्ड जो स्वर्ग से देता है परमेश्वर, बस अपने मानना उसे पूरा करना है। मैंने कहा था कि अब मन फिराओ, क्योंकि मैंने ऐसे देखा, बाइबल भी कहती है, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ स्वर्ग का राज नेड़े। अरे मैंने कई लोगों की हीलिंग को सिर्फ मन फिराओ के लिए मैंने कहा प्रार्थना करो। मैं इन्हें कल एक इसी लेडीज की एक गवाही दी थी कि उसे आज से कुछ साल पहले की बात है, उसे टीबी हो गई थी, उसने खुदा के वचन को पूरा नहीं किया था और वो चार पाई पे थी, लैटरिन बाथरूम ऊपर कर रही थी, और जैसे ही मैंने इन्हें बताया उनके जीवन के बारे की, उन्हें भी मैंने मन फिराओ के लिए ऐसे कहा कि प्रभु को कहो कि मुझे माफ कर, ऐसे प्रार्थना करो। और वो जो लेडीज लैटरिन बाथरूम चार पाई पे हाँ करती थी, वो सुबह अपने आप उठी और बाथरूम जा रही है। मैंने कहा आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और ठीक उसी रीति से हाँ ये आपके सामने, बोले क्या ठीक उस रीति से ये आपके सामने, क्योंकि मन फिराना और प्रभु की महिमा को करना, कुछ नहीं छिपाना, बोलो क्या, कुछ भी छिपाना, कुछ नहीं छिपाना। समझ आ रही है, कितनों को आ रही है, क्योंकि ये चीज कुछ चीजों को छिपा रहे थे। एक चीज तो अच्छा कि जो वचन खुदा ने दिया, एक समय जरूर शरीर की सोच आई है, गोल्ड सोना है ना, समझ आ रही है,
सुनो एक चीज, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, इतने सालों से यूट्यूब पर ये मीटिंग्स पड़ी हैं, इतने सालों से मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम गोल्ड बो तब तुम्हारी चंगाई होगी। मैं क्यों भूलूंगा? हाँ देखो, ये पड़ी हुई है, ये यूट्यूब पर पड़ी हुई, निकालो रोज सुनो। आप बैठे एक दूसरे को पूछो, किसको मैंने आज तक कहा गोल्ड बो फिर आपकी चंगाई प्रकट होगी? नहीं, ये खुदावंद जानता है कैसे उसने काम करने है। और जब वर्ड देता है, बोलो क्या है, उसे पूरा भी करना है। हम डॉक्टरों को भी तो देते हैं, हजारों देते हैं, लोग गरीब बंदा भी लाखों भी खर्च कर जाता है, देते हैं कि नहीं देते हैं? पर इन्होंने वर्ड को पूरा किया है। बीच में जो प्रॉब्लम आ गई थी गवाही में, जो बातें इन्होंने पूरी तरह, जो मैं आपको बता रहा हूं जी, कुछ छुपाने वाली चीजें आज, तो मैंने जब समझाया तो कहते ठीक है। मैंने कहा आप चाहते हो कि ये जो रोग परमेश्वर ने पूरी तरह से आपको हील किया है फिर से वो आए और रह जाए? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर मनुष्यों की नहीं, सिर्फ आप परमेश्वर की परवाह कर, आपको इनके चेहरे से लग रहा है। हाँ, क्योंकि चेहरे से पता लगता ना बीमार व्यक्ति का, इनके चेहरे से पता लग रहा है कि ये खुश है। क्यों जी, खुश हो आप? हाँ बिल्कुल खुश हो पापा जी। हाँ है ना, क्योंकि परमेश्वर महान है, ये छोटी बात नहीं है ना। ऑपरेट करवाया, फिर से डॉक्टर बोल रहे हैं आपका टॉयलेट पार्ट छोटा हो गया है, फिर से आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो बंदा तो वैसे घबरा जाएगा कि मैंने पहले ही इतनी तकलीफ को सहा है, फिर से मुझे सहनी पड़ेगी। पर परमेश्वर महान है, बोलो क्या है, वो महान है, वो कुछ भी करने की सामर्थ रखता है। बोलो क्या है, बोलो, वो कुछ भी करने की सामर्थ रखता है। आमीन, आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को कि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े चमत्कार के लिए जो खुदावंद ने इनके जीवन में किया, इन्होंने उस वर्ड को पूरा किया। दिल से अपने दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर तारीफ करें, जोर से जोर से। जो कम की तो भी नहीं हुंदा, ओ ये तू नाम तू हो जाए। जो कम की तो भी नहीं हुंदा, ओ ये तू नाम तू हो जाए। ओ ये तू नाम तू हो जावे। जो कम की तो भी नहीं होता, ओ ये तू नाम तू हो जावे। आमीन। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी पापा जी, मैं कहनी कि सारी कलीसिया उठ के ते चंगी तरह रोना नचे। ओ लो जी, जिन्नी प्रॉब्लम कहदी वड्डी होगी उन्ना ही जोर दी नचेगा, प्रॉब्लम आज ही फ्री हो जाएगी। लो जी, आज खुदावंद इनके मुंह से भी आपको बोल रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्ग से वर्ड देता है ना, तो फिर वो अंदर तक की मन की आंखें खोलता है। चलो गाओ एक दो मिनट के लिए। न कर परवा किसे गलती, ओ रख दा खबर हर पल। कर परवा किसे गलती, ओ रख दा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, दिल से खुदा है। कर फिक्र ओढ़ वाले पलती, न कर परवा किसे गलती, ओ रख दा खबर हर पल। न कर परवा किसे गलती, ओ रख दा खबर हर पल। न कर परवा किसे गलती, ओ रख दा खबर हर पल। कर मत चुप जा खड़े रहो, खुदा की दाद के काम रहो। कर मत चुप जा खड़े रहो, खुदा की दाद के काम रहो। खुदा की दाद के काम देखो, खुदा की दाद के काम देखो। कर मत चुप जा खड़े रहो, खुदा की दाद के काम देखो। कर मत चुप जा खड़े रहो, खुदा की दाद के काम देखो। आमीन, हालेलुया।
गया।